हिमाचल प्रदेश में दाही लामा ने बयान दिया मीडिया के सामने कि मैं चीन में नहीं लौटूंगा, मैं भारत में ही रहूंगा क्योंकि भारत हमारी जन्मभूमि है। उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से संबोधित करते हुए बोले। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा कि क्या यह हादसा यूपी, दिल्ली और एमपी में नहीं होती है। जिस तरह से महिला की हत्या कर शव को टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया गया था, उसी के मुद्दे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा, लोकयुक्त बिल की इसी शर्त में लगाया जाएगा, अन्ना हजारे की सिफारिश की स्वीकार किया जाए। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बच्चे के साथ आग तापते हुए एक वीडियो दिखाई पड़ा, जो भारत यात्रा के दौरान वो सफर कर रहे थे, उसी दौरान बच्चे के साथ आग तापते हुए वीडियो दिखाई। बिहार के बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा साफ तौर पे कि शराब बिहार में हर जगह है, लेकिन नीतीश कुमार को नहीं दिख रही, ये बड़ी अफसोस की बात। शासक अगर नीतियां सफल ना हो सके। बिहार के बेगूसराय में गंडक नदी पर पुल बने हिस्से को नदी पर गिर गए, हालांकि पुल गिरने के बाद उस वक्त पुल पे किसी तरह की कोई लोग नहीं थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कहा कि मदरसों में पढ़ाने जाने वाली सामग्री की जांच होगी। आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित सोशल मीडिया के दौरान मोबाइल चोर के आरोप में एक युवक को पिटाई की, जहां चलती ट्रेन से उसे फेंक दिया गया, युवक की हुई मौत। बताया जाता है ये घटना बरेली की है।